जय हिंद विद्यार्थियों, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा पेपर इंग्लिश का फाइनली लेकर आ चुका हूँ। आप देख सकते हो आपका 80 अंक का होने वाला है, 8 पेज होने वाला है, 15 क्वेश्चन रहेगा आपका, 3 घंटा समय रहेगा, रोल नंबर डालना है 2023-24 का है अपना। यहाँ पे कोड संख्या देख सकते हो, बाकी आपका देख सकते हो, ये सभी सेट अपना देख लेना। यहाँ पे आपको A to Z करके एक एक करके सभी वीडियो अपलोड है, तो आप जाकर देख लेना। चलिए इसका सोल्यूशन देख सकते हो, यहाँ से आपको पता चल गया होगा, एक नहीं अनेक है हमारे पास। बाकी आपको मैं दिखा देता हूँ इसका सोल्यूशन थोड़ा सा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका ऑब्जेक्टिव वगैरह रहा, तो पूरा यहाँ पे है, 2 PDF करके उत्तर आया है यहाँ पे देख सकते। तो फाइनली अपना सोल्यूशन देख लीजिए, चलिए पेपर दिखाता हूँ। तो फाइनली आपने कुछ नहीं करना है, जल्दी जल्दी ट्रिक लगाते जाता हूँ और आपका इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा इसी वीडियो में। कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर देख सकते हो पहला क्वेश्चन आपको फ्री का, जो कि 10 नंबर मिलता है आपको, एक एक अंक के 10 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज कैरेक्टली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन, बोलो इसको आपको पढ़ के और नीचे प्रश्न का उत्तर देना है, जो कि इसमें से छाट करके आप देख सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं डायरेक्ट उत्तर आपको लगा देता हूँ, तो आप देख सकते हो। पहले का आपको D नंबर लगा लेना है राइट आंसर आपका, इसके बाद 2 का नहीं आपको लगा लेना है A नंबर इस तरीके से। बाकी आपको इसको देख लेना है, इसका उत्तर भी मैं अभी बता दूंगा। इसके बाद आप यहाँ पे 3 नंबर देख सकते हो, 3 का भी राइट आंसर आपको लगा लेना। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइनली 3 का राइट आंसर आपको लगा लेना है, तो यहाँ पर आपको 3 का राइट आंसर आपको A नंबर लगा लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर 4 नंबर देख सकते हैं, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C वाला हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी टिक लगा देता हूँ, बाकी आपको उत्तर भी मिल जाएगा साथ में देखने को। इसके बाद ये आपको 5 नंबर रहा, 5 नंबर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर देख सकते हैं, 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये आपको रहा 7 नंबर, 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद 8 नंबर देख सकते हैं, 8 का राइट आंसर आपका C हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे 9 नंबर देख सकते हैं, 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको 10 नंबर रहा, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको 10 नंबर रहा, 10 का राइट आंसर आपका D नंबर रहा। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो फाइनली अपना यहाँ पे मैंने बोला था पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, छठवें का, सातवें का, आठवें का, नौवें का, दसवें का, ये आपको 10 का 10 नंबर फ्री का आपको कंप्लीट हो गए। चलिए अगला पेपर देखते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, इसके बाद आपको नोट्स एंड टाइटल बनाना है। तो चलिए नोट्स एंड टाइटल आपको नोट्स में छाँट लेना है, आपको एक आपको छाँटना है यहाँ से वो यहाँ तक आपको छाँट लेना है पहले नंबर को और 1 नंबर डाल के, ये आपको नोट्स टाइटल बना लेना है। इसके बाद आपको नोट्स एंड टाइटल चलिए दिखा लेते हैं इसके सोल्यूशन। तो ये आपको नोट्स एंड टाइटल देख सकते हो, टाइटल आपको ये खोजना है, मैंने आपको दिखा दिया, और नोट्स को अपने साथ छात्र स्वयं करें। पॉइंट बाय पॉइंट इस तरीके से आपको लिखोगे तो आपको ऑलरेडी बन जाएगा, जैसे आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेना है आपको ऑलरेडी बन जाएगा। बाकी आपको प्रश्न क्रमांक जो कि 3 है, 3 नंबर आपको नोटिस तैयार करना है। चलिए नोटिस दिखा देता हूँ मैं, तो अपना यहाँ पर नोटिस देख लेना, यहाँ पे मैंने बोला था ये नोटिस देख सकते हो, ये नोटिस अच्छे से लिख लेना, आपको मैंने दिखा दिया नोटिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर नोटिस देख लेना, इसके बाद आपको एक लेटर लिखना है, लेटर ये आपको देख लेना है। चलिए इसको भी देख लेते हैं 4, तो ये आप देख सकते हैं नोटिस के बाद ये आपको एक लेटर रहा, इस लेटर को लिख लेना अच्छे से, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आप ये 4 हो गया, इसके बाद 5 नंबर देख सकते हो, 5 आपको अच्छे से लिख लेना। चलिए 5 का भी सोल्यूशन देख लेते हैं, यहाँ पर आपको 5 नंबर का रहा। इसके बाद आप यहाँ पर देख लेना 5 नंबर आपको यहाँ पर अच्छे से लिख लेना, इसको भी स्क्रीन शॉट लेके जाना है। बाकी मैं 6 नंबर दिखाता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर इसको लिखना है, इसका भी मैं उत्तर अभी बता देता हूँ। यहाँ पर देखते हो तो फिलिंग द ब्लैंक्स आपको आपको लिखना है, यानी 5 लिखना है, तो 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो पहले का राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। इसके बाद 2 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपको ये पहले का हो जाएगा। इसके बाद इसका राइट आंसर आपको लिखना होगा, तो इसका भी राइट आंसर आपका बीच वाला हो जाएगा। इसके बाद आपको इसका राइट आंसर आपको लिखना होगा, तो इसका भी राइट आंसर आपको लास्ट वाला हो जाएगा। इसके बाद इसका राइट आंसर आपको लिखना है, तो बीच वाला हो जाएगा। इस तरीके से ये भी आपको लिख लेना, मैंने टिक लगा दिया। बाकी आपको अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, डू ऑफ डायरेक्टर, तो डू ऑफ डायरेक्टर यानी 5 लिखना है, 5 अंक यहाँ से भी मिल जाएगा। चलिए इन दोनों का उत्तर एक साथ दिखाता हूँ। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स रहा, इसको आपको तैयार कर लेना है बहुत अच्छे से, आप देख सकते हैं, और इसको तैयार कर लेना। बाकी आपको अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी आपको 8-7 होने के बाद 8 नंबर देख सकते हो, यहाँ पे 8 नंबर पूछा गया है। रीड द फॉलोइंग मतलब इसको पढ़ के और इसका उत्तर लिखना है, तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने एक एक अंक के आपको 4-4 ऑप्शन है। जल्दी जल्दी मैं टिक लगा देता हूँ। पहले का राइट आंसर आपको लगा लेना है B नंबर, आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला है आपका 2 नंबर, 2 का राइट आंसर आपको लगा लेना है, 2 का राइट आंसर B नंबर लगाना है। इसके बाद 3 का राइट आंसर लगाना है, C नंबर आपको 3 का हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये रहा 4 नंबर, 4 का राइट आंसर आपको लिखना है, 4 का B नंबर लिखना है, और 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर B नंबर लिखना है।
ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद रीड द फॉलोइंग आंसर द क्वेश्चन ए में, इसको आपको एक एक अंक मतलब 3 अंक सेक्शन ए में रहेगा और 4 अंक सेक्शन बी में रहेगा। तो 3 3 7 नंबर आपको क्वेश्चन क्रमांक 9 से बनता है। तो आपको पहले के क्वेश्चन का आप देखना है। तो चलिए पहले का तीनों का उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ एक साथ। तो ये रहा आपको 9 का उत्तर पहले का, और दूसरे का ऑब्जेक्टिव नहीं है, मैंने ऑब्जेक्टिव इसको ए भी नहीं छटा है, आपको सीधा सीधा ये वाला उत्तर होगा, तो इसको लिख लेना है, ठीक है। तो ये 9 का रहा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फाइनली आपको यहाँ पर देख लेना है, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, तो इसको स्क्रीनशॉट लेके चलना है आपको। इसका मैंने टिक लगा देता हूँ। तो ये आपको 9 का रहा, तो 9 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा 2 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर हो जाएगा, 2 का राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। इसके बाद आपको 3 नंबर, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 नंबर, 3 का राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। इसको भी मैं उत्तर दिखाता हूँ एक साथ। चलिए तो फाइनली आपको यहाँ पे देख सकते हैं इसका भी उत्तर आपके सामने रहा, जो कि आपको ये आपको 9 नंबर कंप्लीट हुआ। तो इसको आपको लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, रेड द फॉलोइंग आंसर द क्वेश्चन गेन बोलो। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वर्ड लिमिटेड, 30 वर्ड आपको लिखना है, 1 2 3 4 5 इन सभी को लिखना है। चलिए इसका भी उत्तर आपको दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पर लिखना है 10 का, चलिए दिखा देता हूँ 10 का आपको 1 नंबर का उत्तर। तो यहाँ पर देख, आपको यहाँ पर 10 का 1 का उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं, 1 का रहा। इसका अगला क्वेश्चन देख, अब 10 का मैं 5 1 2 3 4 और ये 5 रहा, तो 5ों को आप लिख लीजिए, 6 रहा। लेकिन अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या। चलिए इसको देख लीजिए, पूरा स्क्रीन शॉट लीजिए, 11 नंबर और ये 12 13 14 15। चलिए एक साथ सोल्यूशन दिखा देता हूँ इन सभी का। ये आपका 6 का देख सकते हो, 11 का 1 2 और 3 4 ये हो गया, 12 का 1 2 और 13 का 1 और 2 और यहाँ पे 3 हो गया, 14 नंबर का 1 और 15। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछिए। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।